ये 24 फंदों में मैंने एक उल्टी सीधी सिलाई यहाँ निकाल ली है और अभी देखिए आपको आगे एक बुनाई है बता रही हूँ। तो पहला फंदा हम यहाँ बिना बुना उतारेंगे, कुछ इस तरह से धागे के सामने करेंगे और एक फंदे का दो फंदा, देखिए यहाँ फंदा बढ़ाएंगे हम। देखिए एक ही फंदे को हमें 2 बार यहाँ बुनना है। फंदा बढ़ाना मैंने अपने पहले के वीडियोज़ में भी यहाँ बताया है। देखिए इस तरह से फंदा बढ़ाएंगे तो हमारी कली में गोलाई आती है, सामने की साइड से फिनिशिंग भी अच्छी आती है। तो हमें इस तरह से इसको फंदा बढ़ाना है। बाकी के सारे फंदे उल्टे बुनते हुए हमें दूसरी सिलाई में कर लेने हैं, आखिरी के 2 फंदे बिना बुने आप छोड़ते हुए। ये देखिएगा आप, यहाँ अभी हमें 2 फंदे बिना बुने छोड़ने हैं। तो देखिए 2 फंदे यहाँ छोड़ देंगे, धागे को दूसरी तरफ करेंगे और सामने की साइड से बुनाई शुरू करेंगे। तो इस तरह से किनारे की तरफ हमें 1 फंदा बढ़ाना है और बाहर की तरफ 2 फंदे यानी सेंटर की तरफ जाते हुए 2 फंदे बिना बुने छोड़ने हैं। ये देखिए सारे फंदे हम दूसरी सिलाई में कर देते हैं। एक और बार मैं आपको फंदा बढ़ाना है यहाँ बता रहे हो। देखिए पहला फंदा ही बिना बुना उतारेंगे और देखिए एक ही फंदे को पहले धागे के सामने की तरफ एक बुन लेंगे और अभी धागे को पीछे करके और उसी फंदे को एक और बार हम बुन लेंगे। तो इस तरह से 1 फंदे को 2 बार बुनते हैं तो 2 फंदे हो जाएंगे यहाँ पे। बाकी के सेम वही सारे फंदे उल्टे बुनते हुए दूसरी सिलाई में करेंगे, आखिरी के 2 और फंदे बिना बुने छोड़ते हुए। ये देखिए इस बार हमारे 4 फंदे यहाँ छूटेंगे, 2 पहले वाले और 2 ये इस बार छोड़ दिए। देखिए इसी तरह से दो दो बाहर की तरफ एक एक फंदा बाहर की तरफ बढ़ाते हुए 2 फंदे अंदर की तरफ छोड़ते हुए मैं 8 फंदे बाहर की तरफ बढ़ाऊंगी और दो दो ये 16 फंदे ये अंदर की तरफ छोड़ देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने आधी के लिए की बुनाई कंप्लीट कर ली। आप देख रहे हैं बाहर की तरफ से अच्छी गोलाई आ रही है और ये 16 फंदे ये हमने यहाँ पे छोड़ दिए हैं और ये 8 फंदे ये हमारे बढ़े हुए फंदे हैं। अभी देखिए सामने वाले जो हमारे 16 फंदे जो हमारे पास हैं उनमें से हमें एक उल्टी सीधी सिलाई यहाँ निकालनी है। तो देखिए आप पहला फंदा वही बिना बुना उतारेंगे, तो जो दो दो करते हैं बिना बुने फंदे छोड़ रहे थे उनको छोड़ते हुए बाकी के सारे फंदे हम एक बार बुन लेंगे। तो देखिए 8 बढ़े हुए फंदे और 8 जो हमारे बचे हुए जो फंदे हैं। तो देखिए सिर्फ इन्हीं में से मैंने एक सिलाई निकालूंगी। देखिए ये जो फंदे हमने छोड़ दिए हैं जो हमारे बाकी के 16 फंदे बचे हैं उन्हें हमने एक बार बुन लिया। तो देखिए ये सारे फंदे हमने एक बार बुन लिए हैं। अभी आगे की डिजाइन में यहाँ बता रहे हैं। तो पहला फंदा वही बिना बुना उतारेंगे, उसके बाद देखिए अभी 2 फंदों का 1 फंदा करना है, जो फंदे बढ़ा रहे थे अभी उन्हें घटाना है। तो देखिए बाहर की तरफ 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे यानी फंदे घटाएंगे और जो 2 2 फंदे हम बिना बुने छोड़ते हुए जा रहे थे उन्हें अभी हम बुनाई मिलेंगे। तो ये देखिए ये 2 फंदे हमें बुनाई मिली लेते हैं और यहीं से मैं पलट जाऊंगी। देखिए एक और बार मैं आपको बता रही हूँ,
पहला फंदा ही बिना बुना उतारते हैं और देखिए दो फंदे एक साथ बुने हैं, ये दो फंदों का एक फंदा किया और सामने की तरफ से जो बिना बुने छोड़े हुए फंदे थे उन्हें हमें बुनाई में लेना है। तो इस बार दो और फंदे हम बुन लेंगे। देखिए बीच का गैप कम करने के लिए यहाँ से एक फंदा ले लेंगे और ये फंदा सामने वाले फंदे के साथ बुन लेंगे। दो फंदों का एक फंदा किया और सामने वाला एक और फंदा हम बुनाई में ले लेंगे और यहीं से हम धागा पलट लेंगे। तो पहले जहाँ हम दो दो फंदे बिना बुने छोड़ते हुए जा रहे थे, अभी उन छोड़े हुए फंदों को हमें बुनाई में लेना है और बाहर की तरफ जहाँ हम फंदे बढ़ा रहे थे अभी फंदे घटाने होते हैं। तो ये देखिए आप देख रहे होंगे हमारी कली की डिजाइन निकलती आ रही, गोलाई आ रही है इसकी। देखिए इसी तरह से दो फंदे मैंने यहाँ घटा लिए हैं, बाकी 6 फंदे और बच गए हैं जो हमारे मैं घटा लूंगी और ये दो दो फंदे जो जोड़े में 6 फंदे और बच गए इनको हम बुनाई में ले लेंगे। तो ये देखिए हमने कंप्लीट कर लिया आधी कली। अभी देखिए आपको बाकी की आधी कली की बुनाई यहाँ मैं बताऊंगी। देखिए इस तरह की डिजाइन हमारी निकलती है इसमें आधी कली में और सेम वही बुनाई आगे आएगी। तो देखिए यहाँ एक फंदा भी हमें बढ़ाना है। इसी तरह की गोलाई वाली कली एक आगे हमारी बुनेगी तभी हमारी कली की बुनाई कंप्लीट होगी। अब बाकी आधी कली की बुनाई सेम वही स्टार्टिंग वाली चलेगी। तो पहले सिर्फ एक फंदा बढ़ाना है और सेंटर की तरफ जाते हैं वही दो फंदे बिना बुने हमें यहाँ छोड़ने हैं। आप देखिएगा देखिए ये दो फंदे अब हम यहाँ बिना बुने छोड़ देंगे, धागे को दूसरी तरफ करेंगे और सामने की साइड से बुनाई करेंगे। ये यहाँ से एक सिलाई में निकाल ली। एक और बार मैं आपको फंदा बढ़ाना बता रही हूँ यहाँ। कहीं देखिए इस तरह से एक फंदे के दो फंदे बुन लिए हैं। देखिए दो फंदे फिर बिना बुने छोड़ देंगे। तो देखिए अभी दो दो करते हुए ये फंदे अंदर की सेंटर की तरफ हमारे ये छूटेंगे और सेम ही बुनाई दूसरी तरफ ये यहाँ आ जाएगी और ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी कली। तो देखिए ये क्या हमने पूरी कली बुन ली है तो कुछ इस तरह की शेप ये आती है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग ये आ रही है हमारी। देखिए इसी तरह से ये हमारी कली कंप्लीट हो जाती है। तो देखिए इसी तरह से ये कली एक कंप्लीट हो जाएगी। अभी हमें दूसरी कली की शुरुआत करनी है। तो आप यहाँ से धागा डालिए दूसरा, अगर आपको दूसरा कलर लेना है तो यहाँ से आप दूसरा कलर ऐड कर सकते हैं। सारे फंदे एक बार उल्टी सीधी चलाइए, दूसरे कलर से निकाल लीजिएगा और फिर सेम वही बुनाई दो दो करते हुए फंदे छूट जाएंगे। तो इस तरह का ये डोरमेट हमारा कुछ बनके तैयार होता है। वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।